Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल इंडियन क्विजिन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इस रमज़ान अगर आप रोल समोसे के अलावा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो। हम पहले यहाँ डो बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ 2 कप मैदा लेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मस्का। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को अच्छे से गूंध लेंगे। डो को अच्छे से गूंदने के बाद हम इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम कीमे की स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ हमने गरम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाले हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा, 3 बारीक कटे हुए प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी। 2 मिनट अच्छे से भुनेंगे, फिर 1/2 किलो मटन का कीमा डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक पकाएंगे। जब कीमा अच्छे से पक जाए और कच्चे मसाले की स्मेल ना रहे तब बारीक कटी हुई कोथमीर डालेंगे, 1 कप बारीक कटे हुए हरे प्याज, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें 1 कप मेयोनीज डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा स्टफिंग आपकी बनके तैयार है। अब इसे ठंडा करेंगे। हम पफ बनाने के लिए पहले नीचे सूखा आटा लगाएंगे और फिर उस पर एक बड़ा पेड़ा बना के उसे इस तरह बेलेंगे। इस पर उंगलियों से थोड़ा घी लगाएंगे और फिर इसके दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर इसे वापस बेलेंगे। अब इनको इस तरह कट करेंगे। अब शीट लेंगे और उसे थोड़ा और बेलेंगे। अब इसके 2 पीस करेंगे। दोनों शीट के सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे और शीट के चारों तरफ मैदे की स्लरी लगाएंगे।
एक चम्मच मैदे को थोड़े से पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह बनती है मैदे की स्लरी। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर्स को चिपका देंगे। यहाँ हमने तेल गरम कर लिए थे, अब हम इसमें मीडियम हीट पर पफ फ्राई करेंगे। पफ शीट हमने घर में बनाए हैं, इसलिए हमें इसे फ्राई करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। पफ को हम धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और जले ना। अगर आप बाहर के शीट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।